नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दरूशी पर हदीस नंबर 59 अन अनस क़ाला قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر رواه ابن ماجه किताब ज़ुहद 4234। عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر رواه ابن ماجه। عن أنس رضي الله عنه से रिवायत है قال उन्होंने कहा قال رسول الله फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहरमु बूढ़ा हो जाता है इब्नु आदम का बेटा व तशब्बु और जवान हो जाती हैं मिन्हु उससे इथनतानी दो चीजें अलहिर्सु हिर्स अलल माल माल पर वलहिर्सु और हिर्स अलल उम्री उम्र पर जिंदगी की। इसे इब्न माजा ने रिवायत किया है किताब ज़ुहद में। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी बूढ़ा हो जाता है और दो चीजें उसमें जवान होती जाती हैं, एक माल की हिर्स और दूसरी उम्र की हिर्स। हिर्स क्या चीज है? हिर्स कनात की जिद है। कनात क्या है? कि इंसान को जो मिले उस पर राजी हो जाए। तो हिर्स क्या हुई? कि इंसान के पास जो कुछ है वो उस पर राजी ना हो, खुश ना हो, मुतमईन ना हो, मुसलसल ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करता रहे, यहां तक कि इस हाल में उसका इंतकाल हो जाए। इस बारे में कुरान मजीद में एक सूरत भी आती है, कौन सी? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम थुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन थुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम। अल्हाकुमुत तकासुर, कसरत हासिल करने की ख्वाहिश ने तुम्हें गफलत में डाले रखा कि इंसान के पास वक्त नहीं बचता कि वो अपनी आखिरत के लिए सोचे, किसी भी चीज पर राजी नहीं होता, मजीद से मजीद तर की तलाश में रहता है। अब देखिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो रोता है। ये रोना उसकी जिंदगी की अलामत होती है। पहला काम, पहली आवाज किसकी है? रोने की। और ये रोना फिर सारी जिंदगी जारी रहता है। किस बात पे रोता है इंसान? सबसे पहले किस चीज पे रोता है? कि भूख लगी, क्योंकि वो जो पैदाइश का मरहला होता है ना, उसमें इतना वक्त लग जाता है कि बच्चा भी और माँ भी दोनों एक स्ट्रगल में होते हैं और वाकई थक चुके होते, उनकी एनर्जीज ड्रेन हो चुकी होती, तो दुनिया में आते ही उसको खाना चाहिए होता है। फिर उसकी तहनीक की जाती है, फिर माँ उसको सीने से लगाती है, उसको दूध मिलने लगता है। तो खाना पीना क्या है? उसकी एक नेसेसिटी, नीड, जरूरत है ना? इसके लिए रोना कोई बुरी बात नहीं, भूख लगी है। अब आप देखेंगे काफी अरसे तक बच्चे जब भूखे होते हैं तो भूख किस तरह बताते हैं? रोकर बताते, रोते हैं। कुछ अरसे तक इंसान की सबसे बड़ी जरूरत खाना पीना ही होता है। उसके अलावा क्या जरूरियात उसकी? उसको मोहब्बत चाहिए होती। आप बच्चे को खिलाएं पिलाएं, अगर वो जाग रहा है तो थोड़ी देर अलग लिटा के आ जाए, फिर देखें क्या करता है। कुछ नहीं पता उसको किसी का, लेकिन वो थोड़ी देर इधर उधर देखेगा, कोई नजर नहीं आया, तवज्जो नहीं मिली, अटेंशन नहीं मिली, मोहब्बत नहीं मिली, तो क्या करेगा? रोना शुरू कर देगा। फिर यही हाल इंसान का जवान होके होता है कि उसको तवज्जो चाहिए होती है। हर एज के बच्चे को, बच्चे क्या, जवान क्या, बूढ़े क्या, है कोई उम्र का दौर जिसमें इंसान कहे कि आई डोंट केयर कि कोई मेरी केयर करता है या नहीं, ऐसा नहीं। वो कहे जो भी, लेकिन उसको मोहब्बत चाहिए, उसको केयर चाहिए, उसको तवज्जो चाहिए, ये भी उसकी जरूरत कह लीजिए। फिर उसके बाद बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर वो देखने सुनने और थोड़ा बोलने की उसकी सलाहियत जब पैदा हो जाती है तो फिर वो सोचने लगता है, गौर करने लगता है, फिर मुख्तलिफ चीजों को देखता है, तो फिर सवाल करने लगता है। सवाल किस बात की अलामत है? कि वो जानना चाहता है, नॉलेज, इल्म चाहता है। असल में हमने इल्म को एक बस सिस्टम में डाल दिया है कि ये इल्म है और उससे बाहर कोई इल्म नहीं। कैसे? कि जैसे हर बच्चे को 3 साल की उम्र में तकरीबन हम, या उससे भी पहले कई शुरू कर देते हैं कि इसको किसी नर्सरी, किसी स्कूल, किसी किंडरगार्टन, किसी मॉन्टेसरी, कहीं ना कहीं फेंक दिया जाए, सर से उतारा जाए, क्योंकि अब ये बहुत सवाल करने लगा है। ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये दरअसल क्या है, किस चीज की अलामत है? एक्सप्लोर करने की, जानने की, मालूम करने की, इल्म हासिल करने की एक तलब है उसके अंदर। ये भी एक हिर्स होती है, ये उसकी जरूरत है। और फिर इंसान उससे ऊपर उठता है। खाना भी मिल गया, मोहब्बत मिल गई, प्रोटेक्शन मिल गई, घर मिल गया, माँ बाप मिल गए, फिर उसके बाद उस्ताद मिल गए, पढ़ने लिखने के लिए स्कूल मिल गया, किताबें मिल गई, इन सब चीजों को हमने जरूरत बना दी है। फिर कुछ अरसे तक इंसान पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, फिर जवानी की हद में दाखिल हो जाता है। फिर अब उसको क्या चाहिए? अब शादी चाहिए, बीवी चाहिए, शादी की जरूरत है। उसके कुछ और जज्बात जवान हो गए, अब उनकी सेटिस्फेक्शन चाहिए, अब वो शादी करता है, जरूरत थी शादी कर ली उसने, ठीक है। अब उसके बाद जब थोड़े दिन गुजरते हैं तो फिर क्या चाहिए? फिर बच्चे चाहिए, ठीक है ना। अच्छा बेटी हो गई, अब क्या चाहिए? बेटा चाहिए। अच्छा बेटा भी हो गया, अब इनका एक एक बहन भाई चाहिए, ये अकेले ना हो, ठीक है भाई, हो गए, सब हो गए। अब जरा से बड़े हो गए, अब क्या चाहिए? अब इनकी तालीम, फिर शादी, फिर खुद बूढ़े हो गए, अब बच्चे सारे उड़ गए, अब क्या चाहिए? खुद अपने लिए कोई सहारा चाहिए, कोई कंपनी चाहिए, कोई काम चाहिए, कोई निगहदाश्त चाहिए, केयर चाहिए, बीमार है तो इलाज चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कहा था रब के बारे में, ये है सूरत अश्शारा 77 से ले लीजिए। इल्ला रब्बल आलमीन, कौन है रब्बुल आलमीन? अल्लज़ी खलकनी फहुव यहदीन, जिसने मुझे पैदा किया मुझे हिदायत देता है। हिदायत को हम किसी भी स्टेज पे अपनी जरूरत नहीं समझते। हिदायत दो तरह की होती है ना, एक दुनियावी मामले में और एक दीनी मामले में। दुनियावी मामलात में अल्लाह ताला ने इंसान को और हैवानात को पैदा किया और उनको अल्लज़ी खलक कुल्ल शैइन थुम्मा हदा, हर चीज को प्रोग्राम किया कि उसने करना क्या, तो हमें भी वो राह दिखाता जाता है। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीनी, पहली जरूरत इंसान की क्या है? हिदायत। लेकिन हमारी लिस्ट में वो कहाँ है? बुढ़ापे में। इसलिए दीन का इल्म हम आमतौर पे कब हासिल करना चाहते हैं? जब सारी जिंदगी और काम कर चुके थे, रिटायरमेंट की एज में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको कहाँ रखा? नंबर 1। अब ये आप भी अपनी लिस्ट देख लीजिए, कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे। तो कहते हैं कि मेरा रब वो है अल्लज़ी खलकनी फहुव यहदीनी वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीनी व इज़ा मरिदतु फहुव यशफीनी वल्लज़ी युमीतुनी थुम्मा युहयीनी वल्लज़ी अत्मअु अन यग़फिर ली ख़तीअती यौमद्दीन रब्बि हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम वग़फ़िर ली अबी इन्नहु काना मिनद्दाल्लीन वला तुख़ज़नी यौम युबअसून यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ये है दुआओं की लिस्ट और अल्लाह से ताल्लुक की और नीड्स एंड नेसेसिटीज की कि ये सब कुछ चाहिए, लेकिन एक आम दुनियादार इंसान उसकी लिस्ट कुछ और। तो एक लिस्ट बनाइए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या क्या मांगा, उन्हें क्या क्या चाहिए था, इब्तिदा किससे की, इंतहा किससे की, इन्हीं आयात को लिख लीजिए। ठीक है, उसके मुकाबले में मेरी ट्रू पिक्चर क्या, मैं अपने दिल से पूछूं मैं क्या क्या चाहती हूँ, क्या क्या मेरी नीड्स है। ठीक, हमारे तो ख्वाबों में भी ये दुआएं नहीं आती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना दोस्त क्यों बनाया? इंतहा दर्जे के साहिब विजडम थे, साहिब हिकमत। पहले पारे में आप देखिए कि उन्होंने जब दुआएं मांगी, जब खाना काबा तामीर हुआ, तो अपने लिए क्या मांगा, बेटे के लिए क्या मांगा, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं। फिर सूरत इब्राहिम में आप देखिए क्या मांगते हैं, क्योंकि इंसान की दुआ बेस्ड होती है उसकी नीड्स पर, नीड बेस्ड होती है। जिसको आप नीड कहते हैं आप उसी को मांगते हैं। हमारी नीड्स क्या हैं हमारी दुआओं से पता चल जाएगा हम क्या चाहते हैं। ठीक है ना, हम सब कुछ कहाँ का मांगते हैं, नीचे का, और वो सब कुछ आगे का या ऊपर का। इसमें आप देखिए कि दुनिया की जरूरत की कौन सी चीज है, किसका मेंशन है, सिर्फ खाना पीना का, वो मेरा रब खिलाता पिलाता मुझे, वो खिला रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, जो चाहिए वो मुंह से बोल के मांगा। ठीक, तो हर इंसान के पैदा होते ही उसके साथ जरूरियात लगी होती, कुछ छोटी छोटी। आपने देखा कि बच्चे की पैदाइश से पहले माएं खुसूसी शॉपिंग करती। आपको मालूम पाकिस्तान से लोग दुबई आते हैं बच्चे की शॉपिंग करने। पहले मैं सुना करती थी शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं, और अब सुनने में आता है कि बच्चे की शॉपिंग करने जा रहे हैं कि बच्चा पैदा होने वाला है। तो सबसे पहले इंसान की कुछ जरूरियात होती हैं, एक पूरी हो गई, दूसरी हो गई। अपनी नीड्स की आप लिस्ट बना लीजिए, सारी पूरी हो गई, ठीक है भाई हो गई। अब इंसान इस पर नहीं रहता कि नीड्स पूरी हो गई, फिर वो क्या चाहता है कि थोड़ी सहूलत हो जाए, थोड़े आराम की जिंदगी गुजारे। पहले कहता खाना हो जाए, फिर कहता थोड़ा सा उसमें चटनी भी साथ हो जाए। ठीक है ना, एक अगले स्टेप पे जाता है, फिर कहता है मीठा तो होना ही चाहिए ना, फिर कहता है कि चाय भी तो हो, फिर वो कितना लंबा मेन्यू हो जाता है पता नहीं। तो इंसान सिर्फ फिर राहत तक ही नहीं रहता कि आराम को हो, यानी खुला हाथ हो, फिर ऐशो इशरत भी चाहता है, लग्जरी चाहता है। पहले कहता है बस झोंपड़ी भी हो तो काफी, झोंपड़ी मिल जाती तो क्या कहता है कि 2 बेडरूम तो हो ना, एक अपना और एक बच्चों का। फिर कहता है कि हर बच्चे का अलग तो हो ना, फिर कहता है हर बच्चे का अलग घर भी तो हो ना, फिर कहता हर मुल्क में घर हो, फिर आगे से आगे। और क्या भूला रहता है, क्या भूला रहता है, वो जन्नत का घर, वो आखिरत का घर। वो इन्नद्दार अल-आखिरत लहियल हयवान, सारी जिंदगी इसमें गुजर जाती है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, एक के बाद आप स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएंगे कि वही इंसान जो शादी से पहले सिर्फ झोंपड़ी चाहता था, अब जब बुढ़ापे को पहुंचा तो हर बच्चे के लिए अलग महल चाहता है। यह है कि इंसान खुद बूढ़ा होता जाता और उसकी ख्वाहिशात जवान होती चली जाती। पहले वो एक कमरे के घर पे भी राजी था और तड़पता था कि बस वो भी मिल जाए तो बहुत है, और अब जब अल्लाह ने दिया और देता जा रहा है तो उसको और बढ़ा रहा है, और बढ़ा रहा है, और बढ़ा रहा है, और बढ़ा रहा है। और उसमें से ज़कात देने का वक्त नहीं, मोहलत नहीं, और आखिरत के लिए खर्च करने का, आगे भेजने का कोई ख्याल नहीं। पिछले दिन किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारे बिजनेस में कुछ लॉस हो गया। तो मैंने उनसे सवाल किया क्या आप ज़कात देते थे? उनका नहीं, असल में हम जो उसमें से निकलता था उसी में डाल रहे थे ताकि उसे और एक्सपैंड करें। मैंने कहा लेकिन उसमें अपनी जरूरत के लिए तो निकाल ही रहे थे ना, और सिर्फ हमारी जरूरियात नहीं, हम अपनी लग्जरी तक के लिए निकालते हैं। लेकिन जब ज़कात देने की बारी आती है तो हम क्या कहते हैं, अभी तो हमें इसको और एक्सपैंड करना है, अभी तो हमारा टारगेट यह, हर साल की प्लानिंग की होती है, इस साल में बिजनेस इतना जाएगा, अगले में इतना बढ़ाना, अगले में इतना, अगले में इतना, और ज़कात के लिए पैसा तक नहीं निकालते। जब ज़कात नहीं निकालते तो सदका खैरात कहाँ से निकलेगा? तो फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं, फिर अल्लाह का कानून हरकत में आता है। और बाज़ औक़ात जिस बाह का सदका नहीं निकाला जाता उस बाह का क्या होता है, पढ़ा है कुरान मजीद में, वो बाग जल जाता है, अचानक कोई बगोला आता है, खत्म हो जाता है। तो इंसान इस दुनिया में अपनी सेहत, माल, दौलत, औलाद की हिफाजत के लिए भी सदका खैरात करे और अपनी आखिरत का घर बनाने के लिए भी कुछ खर्च करे। उसकी हिर्स दुनिया की इतनी ना बढ़ जाए कि सिर्फ दुनिया और दुनिया ही का ऐशो इशरत और उसकी लग्जरीज में जिंदगी गुजारे। और फिर क्या होता है कि ये जब सब मिल जाता है ना, जितना चाहता है, फिर उसके बाद वो चूंकि माल दौलत की कसरत से स्ट्रांग होता जाता है, फिर वो चाहता है इख्तिदार मिले। सिर्फ अपने जाती माल पे कंट्रोल नहीं, फिर क्या चाहता है पूरे मुल्क पे कंट्रोल मिल जाए। फिर जब अपने मुल्क पे कंट्रोल मिल जाता है, फिर क्या चाहता है ये जो आसपास की जरा रियासतें, इनको भी कंट्रोल कर ले। फिर जब वो कंट्रोल कर ले तो फिर क्या चाहता है पूरी दुनिया को कंट्रोल कर ले। है ना, हिर्स कहीं रुकता कहीं नहीं रुकता। इसमें ब्रेक कहाँ लगानी पड़ेगी, हर स्टेप पे लगानी पड़ेगी अपने आप पे। घर है ना, अब चलो हमारे पास छत है, अब किसी गरीब को भी छत डाल दें, बहन भाई की भी खबर ले लें, हमारा बच्चा यहाँ तक पढ़ चुका, अब खानदान के जो बच्चे नहीं पढ़ रहे जरा उनका भी फिक्र कर लें, और जरा बड़ा खानदान यानी मुसलमान खानदान, जरा उनकी भी खबर ले लें, उनके भी पढ़ने का कोई इंतजाम कर दें, कहीं कोई स्कूल खोल दें। खुद अल्लाह ने हमको अच्छी सेहत दी है, बच्चे सेहतमंद सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कोई बजट नहीं जा रहा मेडिकल पे, या मेडिकल फ्री है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र। चले वो जो हमने सेहत पे खर्च करना था वो किसी गरीब मुल्क में किसी हेल्थ केयर पे खर्च कर दे, हो सकता है ना। लेकिन हम वो बजट कहाँ खर्च करते हैं, फिर अपने ऊपर, फिर अपने ऊपर, फिर अपने ऊपर। और फिर चूंकि इंसान जब बूढ़ा होता है ना तो कमजोरी आने लगती, फिर उसको इनसिक्योरिटी होने लगती, फिर वो सोचता है पता नहीं मेरे बच्चे मुझे कुछ दें या ना, पता नहीं कोई मेरी टेक केयर करे या ना, तो वो खर्च करने के बजाय और समेटना शुरू कर देता है, आखिरत की तैयारी करने के बजाय और मुट्ठी बंद करने लगता है। अच्छा ठीक है, मरने के बाद उन्होंने ले लेना, बाद में ले लेंगे, मरने के बाद जो लोग बांटेंगे उसकी तो बात ही कुछ और है, तो किसी और का हो गया, हमारा तो वही है ना जो हमने खाया, पहना, इस्तेमाल किया, खत्म किया। तो इसलिए ये हदीस एक वार्निंग है। और इंसान अपनी ख्वाहिशात और अपनी हिर्स व हविस पर हमेशा नजर रखे, ये ना हो कि हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, इंसान कब्र में पांव जा लटकाए और उस वक्त उसको होश आए, ओह ये तो अब सारा ही ले गए दूसरे, मेरा क्या बना। इसलिए हम में से हर एक को अपने जाती माल में से, अपनी चीजों में से, अपने हाथ से, अपनी आखिरत की खातिर खुद सदका करें। अगर हमने नहीं किया तो हमारे बच्चे कहाँ से करेंगे हमारे लिए, हमने उनको अमली नमूना ही नहीं दिखाया करके कि दिया भी जाता है। तो इंसान बूढ़ा होता जाता है और उसकी हिर्स माल की बढ़ती जाती, और सिर्फ माल की नहीं बल्कि उसके साथ साथ मजीद जीने की हिर्स बढ़ती जाती, चाहे वो स्टिक पकड़ के चले, चाहे वो किसी भी हाल में, वो क्या चाहेगा कि अभी यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना, उनमें से एक एक क्या चाहता है 1000 साल जिए। वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर, ज्यादा उम्र मिलने से अजाब में कमी ना होगी जब तक इंसान की उम्र अच्छे कामों में ना गुजरे। ये नहीं कि लंबी उम्र काबिल मुजम्मत है, लंबी उम्र बहुत अच्छी है अगर इंसान उसमें अच्छे काम करे, जिसकी वजाहत अगली हदीस में होगी। यहाँ जिस चीज को कंडेम किया जा रहा है वो क्या है कि इंसान माल और जिंदगी की हिर्स में आखिरत भूल जाए, दूसरों के हुकूक भूल जाए, दूसरों की जरूरियात भूल जाए और सिर्फ अपनी ऐशो इशरत की फिक्र करें। ये गलत है, क्योंकि माल की हिर्स बाज़ औक़ात जब खुदा खौफी नहीं होती तो दीन में फसाद का बायस बनती है, दीन की खराबी का जरिया बन जाती। अनकाब इब्न मालिक अल अंसारी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ज़िबान जाइआन उरसिला फ़ी गनम बिअफ़सद लहा मिन हिर्स अल मर्इ अला अल माल व शरफ़ लिदीनिही। काब बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो भूखे भेड़िए अगर भेड़ियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं, वो इतना फसाद नहीं मचाएंगे जितना माल और मनसब की हिर्स इंसान के दीन में फसाद पैदा कर देती है। ये हिर्स, ये लालच, किसी चीज पे राजी ना होना और बढ़ाने की फिक्र, ये अल्टीमेटली इसका टोल कैसे देना पड़ता है, किस चीज से, किस चीज में खराबी आ जाती है, दीन में, क्योंकि इंसान दीन को कंप्रोमाइज करने लगता है। माल का हक नहीं निकालते, नहीं ज़कात नहीं देता, सदका खैरात नहीं करता, क्योंकि वफी अम्वालिहिम हक़्क़ुन हक़्क़ुन लिस्साइली वल महरूम, और माल में ज़कात के अलावा भी हक है, यानी उनके मालों में हक है सवाली का भी और महरूम का भी, जिसके पास कुछ नहीं, मांगता नहीं लेकिन उसको भी हक देना है, और उसके साथ साथ जो जरूरतमंद है उनका हक है आपके माल में। अल्लाह चाहता तो उनको भी दे सकता था, सीधा उन्हीं को देता, आपको ना देता, लेकिन आपको दिया कि आपके हाथ से उनको दिलवाए, और उनकी आजमाइश इस तरह की और आपकी इस तरह की कि आपको दे दिया। मत समझे कि उनकी ज्यादा आजमाइश है, उनसे ज्यादा तो उसकी है जिसके पास है और उसका दिल भेजा हुआ कि वो किसी पे खर्च नहीं करना चाहता। तो याद रखिए कि ये हिर्स, ये लालच इंसान की आखिरत बर्बाद कर देती है, इंसान के अंदर गफलत पैदा कर देती है। एक हदीस में है अबू दरदा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी सूरज तुलू होता है तो उसके दोनों पहलुओं में दो फरिश्ते भेजे जाते हैं, उसके दोनों साइड पे दो फरिश्ते भेज दिए जाते हैं ऑन ड्यूटी, जो मुनादी करते हैं, पुकारते रहते हैं। इस मुनादी को, यानी इस पुकार को, इस आवाज को जिन्न और इंस के अलावा तमाम अहले जमीन सुनते हैं, सब सुनते हैं। क्या कहते हैं वो कि ऐ लोगो, अपने रब की तरफ आओ, क्योंकि वो थोड़ा जो काफी हो जाए, वो थोड़ा माल जो काफी हो जाए उस ज्यादा से बेहतर है जो गफलत में डाल दे, जिसे हासिल करके तुम अल्लाह ही को भूल जाओ। वो कैसे भूलता है इंसान कि जब माल होता है ना, तो फिर इंसान क्या चाहता है कि इससे और माल पैदा करे। अब उस चीज में इतना मशगूल हो जाता है, एक के बाद एक प्रोजेक्ट, होश ही नहीं, अपनी भी होश नहीं, बाल बच्चों की होश नहीं, किसी की नहीं, तो दीनी मामलात में भी बेखबर हो गया। दूसरा क्या होता है कि जब माल कमा लेता है तो इंसान क्या चाहता है कि अब इसको खर्च करे, खर्च करना चाहता है ना, किस पे, अपने पे। और जब जेब में पैसे हो, उम्दा गाड़ी घर पे खड़ी हो, फरागत हो, सेहत हो, वक्त कहाँ गुजरता है, सिर्फ शॉपिंग में नहीं। बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए मेड्स की एक कतार है, खाना पकाने के लिए भी सब इंतजाम है, लाने वाले भी मौजूद हैं, घर साफ करने वाले भी हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं। कब सो के उठेंगे आप बताइए? तहज्जुद के लिए उठेंगे? बच्चों को स्कूल छोड़ने का भी इंतजाम सब है, कोई जिम्मेदारी नहीं आपको। जब आप उठेंगे फिक्र क्या होगी आपकी, कहाँ जाएंगे आप, क्या करेंगे? कोई ना कोई मसला, काफी पार्टी है, कुछ है, अच्छा उसके लिए अब क्या करना है, कुछ पहनना है, ये भी ठीक नहीं, ये भी नहीं, पर्स ये भी बहुत पुराना हो गया, जूता ये भी ठीक नहीं, अब क्या करना है, ठीक है, एक एक चीज की मैचिंग में कितना वक्त लगेगा, माल है तो कर रहे हैं ना। अच्छा फिर उसके बाद खुद को संवारना है, बनाना है या बिगाड़ना है, फिर क्योंकि बाजू का संवारते कुछ और ही बन जाते हैं। फिर आप घंटों बैठे ऐसी जगहों पर जहां नमाज नहीं पढ़ सकते, आप नमाज नहीं पढ़ेगी, जल्दी जल्दी चार रकातें, या तो पढ़ते नहीं लोग या फिर चार रकातें ऊपर नीचे करके खत्म। फिर आपने इतना कुछ लगा लिया, इतना कुछ पहन लिया, अब नमाज में खुशू कहां से आए? फिर अगर वजू नहीं रहा तो पार्टी से पहले आप वजू कहां से करेंगे? वजू नहीं करना, नमाज गई, एक गई तो दिल पे स्या नुक्ता लगा, और वो नुक्ता लगा तो एक और लग गया, एक और लग गया, ऐसी गफलत हुई, परवाही नहीं। तो वो जो कनात में खैर के काम होते थे वो सब गए। मैं नहीं कहती कि आप बने संवरे ना, एक लिमिट के अंदर, पहने नहीं, लिमिट के अंदर, अपने दीन को कंप्रोमाइज करके नहीं, आखिरत की कीमत पे नहीं, जन्नत की कीमत पे नहीं, हमेशा की राहत और ऐशो इशरत की कीमत पे नहीं। और फिर बाज़ोकत क्या होता है कि सिर्फ नमाजों ही से और खैर के कामों से ही गफलत नहीं, कुछ और गफलत भी हो जाती है और वो क्या होती है कि ये भी इंसान फिर परवाह छोड़ देता है कि हलाल है कि हराम है, जायज़ है कि नाजायज़ है, कहाँ से आ रहा है। बस उसको ऐसी लालच पड़ती है कि बस ज्यादा से ज्यादा अल्लाह को मुत्तकाफुर, इंसान हर चीज से गाफिल, बस उसको बढ़ाने की फिक्र लग जाती है, बाकी सब भूल जाता है। हालांकि ये हिर्स इंसान के लिए फायदेमंद नहीं। एक और रिवायत में आता है, मुतर्रिफ अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, आप पढ़ रहे थे अल्लाह को मुत्तकाफुर, आप तिलावत कर रहे थे। आपने फरमाया इब्ने आदम कहता है मेरा माल, ऐ इब्ने आदम तेरा क्या माल है, तेरा माल तो सिर्फ वही है जो तूने खा लिया और खत्म कर दिया, जो तूने पहन लिया और पुराना कर दिया, या जो तूने सदका किया और आगे भेज दिया, बस ये है तुम्हारा माल। बाकी जो कुछ रखा हुआ है, स्टोर्स भरे हुए हैं, कमरे भरे हुए हैं, बैंक भरे हुए, तिजोरियां भरी हुई हैं, जो मर्जी भरा हुआ है, वो किसका है? वो आपका नहीं है, वो नहीं है आपका, वो दूसरों का है। आपका वो है जो इस्तेमाल कर ले। लेकिन बाजू का इंसान का बुखल इस हद तक बढ़ता है कि अपने पे भी नहीं लगाता, फिर वो इतनी ज्यादा हिर्स बढ़ जाती है, इतनी कंजूसी बढ़ जाती है, इतनी लालच बढ़ जाती है कि किसी को सदका खैरात तो खैर दूरी की बात, वो अपनी जात पे भी सदका नहीं करता, और ये चीज और ज्यादा हलाकत में डालने वाली हो जाती है। इसलिए हिर्स इंसान के अपने लिए भी फायदेमंद नहीं। इसके बरक्स अगर किसी के पास बकदरे जरूरत मौजूद है और वो अपने दीन ईमान अपनी हर चीज की हिफाजत कर रहा है, आखिरत के लिए भी कर रहा है, वो ज्यादा बेहतर है। फुजाला बिन उबैद कहते हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, तूबा लिमन हुदिया इलल इस्लामी वकान आयशुहु कफाफन वकना, खुशखबरी है उस शख्स के लिए जिसे इस्लाम की तरफ हिदायत मिल गई, दीन की समझ, दीन का रास्ता, दीन सीखने का शौक, उसके लिए वक्त, उसके लिए राहें खुल गई, उसके लिए इजाजत मिल गई, उसके लिए सहूलत मिल गई, उसके लिए जगह मिल गई, उसके लिए लोग मिल गए कि वो रोज नई नई बातें सीखता है, ईमानी तौर पर ग्रो कर रहा है, और उसकी रोजी बकदरे किफायत हो कि किसी से मांगना नहीं पड़ता, उसकी जरूरियात पूरी हो रही हैं, और उस पर कनात करे, यानी उस पर मुतमईन हो, खुश हो कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की जरूरत भी पूरी हो रही है और अल्लाह ने साथ दीन भी दे दिया है, और अगर फिर भी अल्लाह ने इससे ज्यादा दिया है तो क्या करें, उस ज्यादा को अपनी आखिरत बनाने के लिए खूब खूब वहां भी घर बनना है, उस घर को बनाने के लिए, यानी आप जब भी सदका करें तो कहें अच्छा अब बुनियादें पड़ गई, इमेजिन किया करें जन्नत को, अच्छा बुनियादों में डाल दिया, अच्छा अब स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, अच्छा अब छतें पड़ गई, अच्छा अब ये दे रही हूँ इस साल, इस महीने, इस दफा, इस जगह, अब विंडोज लग गए, अब ये ग्लास लग गए, अब ये पेंट हो गया, अब ये डेकोरेशन हो गया, वो अंदर का इंटीरियर हो गया, अब बाहर के घास लग गए, दरख्त लग गए, फलां हो गया फलां, इमेजिनेशन में एक पूरी सिटी बना लिया करें। अगर वो काम करते तो हर दफा जाके ग्रो किया करें, अच्छा अब ये एंगल देखना, अब ये देखना, अब ये देखना, और जब बाकायदा आप पैसे लेकर या जो भी आपने खर्च करना, या इल्म जो व्हाटएवर जो अल्लाह ने आपको दिया, कोई स्किल है, हुनर है, किसी की मदद, किसी मरीज की इयादत, किसी की खिदमत, कुछ भी आप काम करें तो आप सोचा करें अच्छा मैं अपनी जन्नत के फलां हिस्से को सजाने जा रही हूँ। आप देखिए कि इससे आपकी एक सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ कुछ बन रहा है, क्योंकि वो नजर नहीं आता ना, तो उसको अपने बसीरत की आंखों से देखा करे कि नहीं बन रहा है, वहां वो बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, मरते दम तक बनाना है, बनाना है, बनाना है, ताकि जिस वक्त जब दुनिया से आंख बंद हो तो आगे घर बना हो, आगे जन्नत हो जाने के लिए। ये ना हो कि यहाँ सब कुछ बंद और आगे देखे तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जब अच्छा रहने की आदत पड़ जाती है ना तो जरा लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाए तो बड़ी मुश्किल होती है, फिर रोते ही गुजरती है जिंदगी। इसलिए हमेशा तमन्ना किया करें, कोशिश किया करें और दुआ किया करें कि अल्लाह हमारा कल आज से बेहतर हो, दुनिया में भी अच्छा हो, और जब दुनिया का इख्तिताम हो तो आखिरत कहीं ज्यादा बेहतर हो, जहां हमारा हमेशा हमेशा का क़याम है, जहां से कभी भी नहीं निकलना। ला यबून अनहा हिवाला, वहां से कोई निकलना चाहेगा ही नहीं, नेवर। तो क्या सीखा आपने इस हदीस से? हल्की फुल्की डिस्कशन, अपना अपना जायजा आप खुद लेंगे, और फिर करने का काम क्या है, एक दो चीजें वो बता दीजिए और फिर आइंदा जिंदगी भी करते रहिए। चलिए बताइए क्या सीखा। बिल्कुल, कुछ ना कुछ, बिल्कुल सही है। देखिए दारुल बिर के डब्बों में डालने के अलावा आपको पता है कि आप यहाँ जैसे एंटर होते हैं ना, सफाई करने वाले बाहर बैठे होते हैं ना, या कहीं भी जाते हैं, कोई मजदूर होते हैं, कहीं काम कर रहे होते हैं, कुछ भी, तो ज़ाहिर है वो भी हमारे जैसे इंसान है, काम करने के लिए आए हैं, तो कुछ ना कुछ ये कह के दे दिया कीजिए, अच्छा आप मुझसे भाई चाय पी लें, यानी अच्छे तरीके से भी, यानी ये नहीं कि सिर्फ ये महसूस हो कि अगला हकीर अपने आप को महसूस करे। कहीं ना कहीं जहां भी मौका मिले खामोशी से कुछ ना कुछ कर दिया। और एक और बात यह कि सिर्फ माल नहीं, माल तो करना ही है, माल के अलावा भी नेकी के बड़े मौके होते हैं। खैर के कामों की तलाश में रहे कि कैसे अपनी नेकियां बढ़ाऊं, मैं क्या कर सकती हूँ, अल्लाह ने मुझे उम्र दी, जिंदगी दी, मेरे पास वसाइल है, मैं और क्या कर सकती हूँ, नए नए मौके ढूंढा कीजिए। जी कहना चाहूँगी आज के इससे मैंने ये सीखा कि जितना इंसान के पास हो उस पर सबर शुक्र करना चाहिए। इस हिर्स का इलाज यही है कि एक तो इंसान अपने अंदर शुक्र सबर पैदा करे, दूसरा ये है कि उसके ऑपोजिट काम करे, यानी दूसरों को देने की कोशिश करें। जी दीन को अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मसला बनाना है, जैसे हम दुनिया की हर नीड्स का, जरूरत का मसला बनाते हैं और हर टीवी चैनल्स पे भी यही रहता है, रोटी कपड़ा मकान, इस तरह दीन को भी हमें अपना मसला बनाना है। बिल्कुल। अब देखिए ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहली चीज हिदायत की बात की, जो खाने पीने से भी उनके नजदीक ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। जी आप जी हाँ, जी अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है ना, ये समझते हैं। हालांकि क्या होता है, बहुत लोगों को औलाद ही मार डालती है ताकि जो उन्होंने जमा कर रखा है वो जल्दी से मिल जाए। फिर फिक्र अपनी ही है कि हमारा इमेज क्या बनता है, कि इसलिए हम जमा कर रहे हैं कि मरने के बाद हमारी औलाद ये ना कहे कि बुढ़ा हमारे लिए क्या छोड़ के गया है। ठीक है, ऐसा है कि इंशाअल्लाह ताला आप इस पर मजीद घर में जाके अरबी इबारत भी याद करेंगे, तर्जुमा भी, और क्या करेंगे, शेयर करेंगे। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज ढूंढिए कि किस तरह इसको कम किया जा सकता है, कहाँ कहाँ किस चीज को कट करके फिर शेयर कीजिए परसों वापस आकर। और क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन। गुड। जी हाँ, अमली काम, असाइनमेंट क्या है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं और अपनी दुआएं आमने सामने लिखकर अपना जायजा लें। खुद एहतसाबी अमल की बात, फिर शेयरिंग, होमवर्क। ठीक है इंशाल्लाह। अगली हदीस, हदीस नंबर 60। अन अब्दुल्लाह इब्न बुसर अन अअराबिय्यन क़ाला या रसूल अल्लाह मन खैरुन नासी क़ाल मन ताल उमरुहु व हसन अमलुहु। रवाहु तिर्मिज़ी किताबुज़्ज़ुहद 2329। अन अब्दुल्लाह इब्न बुसर अन अअराबिय्यन क़ाल या रसूल अल्लाह मन खैरुन नासी क़ाल मन ताल उमरुहु व हसन अमलुहु। रवाहु तिर्मिज़ी किताबुज़्ज़ुहद। सैयदना अब्दुल्लाह बिन बुसर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक अराबी ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में कौन सबसे बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी उम्र ज्यादा हो और अमल नेक हो। अराबी कहते हैं बद्दू को, जो हदरी ना हो, यानी देहात में रहने वाला, सहरा में रहने वाला। वो आया और उसने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन खैरुन नास, कितना अच्छा सवाल था, सबसे अच्छा इंसान कौन है, कौन सबसे अच्छा है, कौन खुशकिस्मत है, हु इज द लकीएस्ट वन। काला, आपने फरमाया, मन ताला उमरुहु, जिसकी उम्र सबसे लंबी हो, लंबी उम्र वाला खुशकिस्मत है। हसन अमलुहु, और उसका अमल भी अच्छा। अब पिछली हदीस से यूं पता चलता है कि जैसे उम्र की हिर्स जो है वो पसंदीदा नहीं। ये जो हदीस है ना दूसरी, इसमें उम्र लिखा हुआ उम्र है, मीम पे पेश होनी चाहिए, हदीस 60 में, ठीक कर लीजिए, उमरुहु। अच्छा, अब आप देखिए कि पिछली हदीस से यूं लगा जैसे उम्र की हिर्स नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। लालच या गलत कामों में उम्र का गुजरना नुकसानदेह है, जबकि अच्छे कामों में लंबी उम्र या अच्छे कामों के साथ लंबी उम्र खुशकिस्मती की बात है। जिंदगी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। अपने लिए और दूसरों के लिए मौत की दुआएं नहीं मांगनी चाहिए। किसी बीमारी, तकलीफ या वक्ती मुश्किल से घबरा कर खुदकुशी का नहीं सोचना चाहिए। बाज लोग होते हैं ना कि जब उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे, जल्दी आराम ना आए, तो वो क्या सोचने लगते हैं, अपने आप को बद्दुआएं देने लगते हैं, कोशिश करने लगते हैं कि हम मर ही जाएं। तो इससे भी रोका गया है, बल्कि क्या दुआ सिखाई गई है, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरल ली व तवफ्फनी मा कानतिल वफातु खैरल ली। अल्लाह उस वक्त तक जिंदा रख जब तक जिंदगी मेरे हक में अच्छी, और जब मौत दे जब मौत मेरे हक में अच्छी है। हमें नहीं पता, बाज़ात कुछ बुजुर्ग ज्यादा बीमार हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, कौमे में चले जाते हैं, ऊपर के लोग क्या सोचने लगते हैं, हाय कब जान छूटे, हाय बेचारा कितनी तकलीफ में। फिर मांग भी नहीं सकते कि पता नहीं किसी के मरने की दुआ करें कि ना करें, पर कहते हैं अल्लाह तो समेट ले। मुख्तलिफ तरह के कश्मकश में रहते हैं ना, वो बहुत तकलीफ देह वक्त होता है। हमें किसी की तकलीफ नजर आ रही होती, हो सकता है उस पर उतनी तकलीफ ना गुजर रही, हमें मुश्किल लग रहा है, लेकिन वो चीज उसके हक में बड़ी बेहतर हो कि वो पाक साफ हो रहा है या उसके दर्जात बुलंद हो रहे हैं। तो इसलिए तकलीफ कोई भी हो, मौत ना मांगे, खुदकुशी ना करें, ला तक्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल ना करें। जिंदगी एक ही बार मिली है, किसी तरीके पे दूसरी बार नहीं मिलेगी, और जिंदगी का एक एक दिन कीमती है। हर दिन में जो की जाती है नेकियां, अल्लाह का जिक्र, वो इंसान के आखिरत के लिए उतना ही मुफीद है। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को खुशखबरी दी, फरमाया तूबा, खुशखबरी है, लिमन ताला उमरुहु व हसन अमलुहु, उस शख्स के लिए जिसकी उम्र लंबी है और अमल अच्छे। नेक काम करने वालों के लिए लंबी उम्र बहुत ही फायदे की, और बुरा काम करने वालों के लिए बड़ी ही नुकसानदेह है। जैसे एक और हदीस में आता है इसके बरक्स कि लंबी उम्र किसके हक में अच्छी नहीं। एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह अय्युन नास खैरुन, क़ाल मन ताला उमरुहु व हसन अमलुहु, क़ाल फ़ अय्युन नास शर्रुन। उसी ने ये पूछा था कि बदतरीन इंसान कौन है, क़ाल मन ताला उमरुहु व साअ अमलुहु, वो शख्स जिसकी उम्र तो लंबी है लेकिन अमल बुरे हैं, हर दिन गलत काम मजीद करता चला जा रहा है और उसके गुनाहों का बोझ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, गंदगी का ढेर ऊंचा होता जा रहा है, वो बदकिस्मत इंसान है। एक और मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिखैरिकुम, क़ालू नअम या रसूलल्लाह, क़ाल खियारुकुम अतवलुकुम आमारन व अहसनुकुम आमालन। आपने फरमाया क्या मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि तुम में सबसे बेहतर कौन है। साहबा कराम ने अर्ज किया, जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जिनकी उम्र तवील हो और अमल बेहतरीन है। तो लंबी उम्र क्या है, खुशकिस्मती की अलामत है। कब, जब अमल अच्छे हो। एक और जगह पर फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिखियारुकुम अतवलुकुम आमारन इदा सद्ददू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें यह ना बताऊं कि तुम में सबसे बेहतर कौन है, तुम में सबसे खुशकिस्मत कौन है, तुम में बेहतरीन वो है जिनकी उम्र तवील हो, लंबी हो, जब वो राह रास्त इख्तियार किए रखे, इजाजत ददू, जब वो सीधे चलते रहे, गुमराह ना हो, इधर उधर ना हो, वरना आखिरी उम्र में जाके भटकने में क्या नुकसान है, पिछले भी किए कराए पे पानी पर जाता है। क्योंकि इन्नमल अमालु बिखवातीमिहा, अमाल का दारोमदार खात्मे पर है कि खात्मा किस चीज पर हुआ। अब अच्छे अमाल कौन से, अच्छे अमाल की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे अमल का जिक्र करूंगी कि जो आप में से हर शख्स कर सकते। उठते, बैठते, सोते, जागते, लेटे, आराम करते, सफर करते, जब आप और कुछ ना कर सकें तो वो आप कर सकते हैं। वो क्या है, जिक्र। और इससे भी दर्जात बहुत बुलंद होते हैं। ये मत सोचिए कि अब मैं बेकार हो गई हूँ, अब मैं वो भी नहीं कर सकती हूँ। कई लोगों को बड़ा डिप्रेशन में लगता है, जब तक वो जवान होते हैं काम करते हैं तो बड़े खुश रहते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं या घर बैठ जाते हैं, जॉब चली जाती है, तो वो अपने आप को कोसते हैं और परेशान होते हैं कि अब जीने का कोई फायदा नहीं, अब ये बेकारी, नाशुक्रे हो जाते हैं। नहीं, ये उम्र आपको दी है अल्लाह ने अपने जिक्र के लिए कि जिक्र करके आप अपने दर्जात बुलंद करें। बहुत कमाने की उम्र है बुढ़ापा, बुढ़ापे को बेकार ना समझे। ऐसा होता है ना कि जब कोई बूढ़ा हो जाता ना तो सारे लोग उसको एहसास दिलाने लगते हैं कि यू आर नॉट नीडेड एनी मोर, आपकी जरूरत नहीं। अच्छा, वो जब ऐसी उसको लुक्स या वाइब्स मिलती है ना कि अब क्या जरूरत है, तो वो बेचारा भी अंदर ही अंदर गम खाने लगता है। और वो क्या समझता है, तो बस अल्लाह वो उठा ले, अब जीने का कोई फायदा नहीं, जीने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, कभी ना ये सोचे, कभी ये ना कहे। हाँ, ये कहे कि अल्लाह किसी का मोहताज ना करना, किसी पे बोझ ना बने। लेकिन हमेशा आप जब बूढ़े लोगों को देखते हैं तो एक ख्याल शायद आपके जेहन में आता हो, मतलब मेरे जहन में हमेशा ही आता है। मतलब मैं अपनी वालदा को देखती हूँ, माशाल्लाह उम्र में ज्यादा होती जा रही है, या और खानदान के बूढ़े, या जहाँ कहीं भी किसी बुजुर्ग को देखती हूँ, फिर मैं उनकी एक्टिविटीज को देखती हूँ, सारा दिन क्या करते हैं। बाज बूढ़े सिर्फ टीवी लगा के बैठे रहते हैं, वक्त जाया करते हैं, बाज लोगों की इधर उधर की बातें, बाज में सोए रहते हैं। चलो बीमार हो तो सोना भी कोई बात नहीं, जिक्र करके सोए, उठ के जिक्र करें तो वो सोना भी इबादत है। मैं सोचती हूँ कि बाज लोग इतने बीमार हो जाते हैं कि वो कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते, वो एक जबान जरूर हिला सकते हैं, दिल उनका जाग रहा है, क्योंकि डेथ कब होती है, जब दिल मरता है, दिल जाग रहा है, क्या करे वो। तो इंसान सोचते हैं इनकी जिंदगी का क्या मकसद है, अब ये तो कुछ कर रहे हैं। हमारे नजदीक काम किसको कहते हैं, कोई इमारत बनाना, कोई बिजनेस करना, कोई अच्छे अच्छे खाने बनाना, कोई कारोबार करना, कोई शॉपिंग करना, हम इनको काम समझते हैं। जिक्र करने को कोई काम नहीं समझते हैं, नहीं ना समझते। तो जब आप किसी बुजुर्ग को देखें कि अब कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ बेड पे पड़ गया, या मामूली बस उसकी सरगर्मी बिल्कुल महदूद हो गई है, उठा है, खाया पिया, फिर थोड़ा आराम किया, फिर थोड़ा बहुत चले फिरे, थोड़ा बहुत काम काज किया, थोड़ा पड़ा, फिर थक गए, सुन भी नहीं सकते, नींद आ जाती है। एक कैफियत ही भी आती है इंसान के ऊपर। जब कभी बीमार होता है, आप सोचो बुढ़ापा ऐसे मिलती जुलती चीज है कि बुढ़ापा ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। बाकी बीमारियों से इंसान फिर निकल आता है, फिर ताकत आ जाती है, फिर चलने फिरने लगते। लेकिन ऐसा बुढ़ापा कि जो ना इंसान को चलने फिरने के काबिल छोड़े, ना ही किसी काम काज के, तो भी समझिए आप यू आर वेरी मच नीडेड फॉर योर ओन सेल्फ, आपकी अभी बड़ी जरूरत, आप बेकार नहीं है। किसी मकसद के लिए अल्लाह ने आपको जिंदगी का ये हिस्सा दिया है, इस हिस्से की कदर कीजिए। और वो क्या कदर है, खूब खूब अल्लाह का जिक्र कीजिए, एक एक दिन को चेरिश कीजिए, एक एक दिन से फायदा उठाइए। अब आप देखिए कैसे कैसे हो सकता है ये काम। अब्दुल्ला बिन शद्दाद रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि बनु उदरा के तीन आदमियों की एक जमात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा कि इनकी कफालत कौन करेगा, कौन इनको अपनी गार्डियनशिप में लेगा, इनका ख्याल कौन करेगा। तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु मालदार इंसान थे, उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया। चुनाचे ये लोग तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास रहते थे। कोई जानता है तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु कौन थे, कोई खूबी उनकी, कोई काम उनका? उन्होंने अपना बाप सद कर दिया था, मालदार आदमियों में से थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इनको लुक आफ्टर कर सकता हूँ। इस दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रवाना फरमाया, तो उनमें से भी एक आदमी उसमें शरीक हो गया कि मैं भी जाता हूँ, खिदमत करता हूँ दीन की, और वहीं पर जामे शहादत नोश कर लिए, शहीद हो गया। कुछ अरसे बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और लश्कर रवाना किया, कहीं और एक्सपीडिशंस, तो दूसरा आदमी भी शरीक हो गया, इस दौरान वो भी शहीद हो गया, अब एक रह गया। ये तीसरा जो था, इसका इंतकाल तबई मौत से हुआ, बेड पे फौत हुआ, शहीद नहीं हुआ। हज़रत तलहा कहते हैं कि मैंने ख्वाब में इन तीनों को जो मेरे पास रहते थे जन्नत में देखा। ख्वाब खुशखबरियां होते हैं और दिखाया जा सकता है, सच्चे ख्वाब भी होते हैं। इनमें से जिसकी मौत तबई हुई थी, नेचुरल डेथ, लेकिन सबसे आखिर में, वो उन दोनों से आगे था। पहले शहीद दूसरे शहीद के मुकाबले में जन्नत में वो उनसे आगे। बाद में शहीद होने वाला दूसरे दर्जे पे और पहले शहीद होने वाला आखिर में। मुझे इस पर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आपने फरमाया, तुम्हें इस पर ताज्जुब क्यों कर हुआ? अल्लाह की बारगाह में उस मोमिन से अफजल कोई नहीं जिसे हालत इस्लाम में लंबी उम्र दी गई हो, उसकी तस्बीह, तकबीर और तहलील की वजह से। ये तस्बीहात उम्र में भी इजाफे का जरिया बनती हैं और इंतहाई खुशकिस्मती का जरिया है कि चाहे आप शहीद नहीं भी हुए, लेकिन जिक्र कर करके अल्लाह को याद कर करके आप बहुत से नेक लोगों से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए ना, जब आप रिटायर हो जाते हैं ना, कुछ नहीं कर पाते, बहू बच्चे बेटे बाकी सब काम कर रहे हैं, सब घर से चले गए, आप अकेले बैठे हैं, उदास बैठे हैं और अपने आप को बेकार समझें और अपने ऊपर गुस्सा भी आने लगता है, हम क्यों इतने बेकार हो गए। क्योंकि जब इतना काम किया हो ना तो बेकार रहना भी बड़ा मुश्किल होता है, आराम करने से भी कोफ्त होती है, गिल्ट होती है ना अंदर। कभी गिल्टी ना हो, खूब जिक्र करें अल्लाह का, कि अल्लाह ने आपको ये सारे काम लेके ना आपसे अपने जिक्र के लिए छोड़ दिया, इससे फायदा उठाएं। और ये पैगाम हर बुजुर्ग को दे जाके कि आप इस पे कतन गमगीन ना हो कि अब आप दुनिया के पीछे नहीं भाग सकते, शुक्र करें कि उसमें रुकावट आ गई, रुक गए आप, अब आपके पास वक्त है किस काम का, अल्लाह के जिक्र का, अल्लाह को याद करने का। अल्लाह सुब्हान व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मिशन मुकम्मल हुआ तो क्या फरमाया, क्या करें, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, कसरत से इस्तगफार और तस्बीह, इन्नहु काना तव्वाबा। इसी तरह नमाज नबवी में भी आपने एक हदीस पढ़ी होगी कि जिस शख्स के नमाजें ज्यादा थी और वो भी शहीद नहीं हुआ था, बाद में फौत हुआ था, तो उसके दर्जे भी बुलंद थे। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और इस हदीस पर भी आपने क्या करना है, इंशाअल्लाह ताला आप गौर व फिक्र करेंगे, शेयर करेंगे और कसरत से जिक्र की आदत डालेंगे। और किसी ना किसी खानदान के बुजुर्ग को, अपनी अम्मी को, सास को, दादी को, नानी को, जो बुजुर्ग हयात हैं उनको ये बात शेयर करेंगे कि अल्लाह ने आपको ये जिंदगी बोनस के तौर पे दी है, नेमत के तौर पे दी है, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपकी औलादें काम करें और अल्लाह ने आपको फरागत दी कि जिक्र करें। ठीक है, अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगी के हर लम्हे से फायदा उठाने की तौफीक दे और कसरत जिक्र की तौफीक दे और तस्बीह और तहलील और तहमीद की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।